हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज़ शो प्लान बॉलीवुड न्यूज़। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर प्राण साहब का कल शाम मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में हुआ निधन। बॉलीवुड के तमाम बड़े स्टार्स प्राण साहब की फ्यूनरल सेरेमनी में शामिल होने पहुंचे शिवाजी पार्क। बॉलीवुड स्टार्स ने अपने सोशल नेटवर्किंग हैंडल्स के थ्रू प्राण साहब को किया याद। एक वीक पहले तक अपनी फिल्म को ईद पर रिलीज करने की इच्छा रखने वाले अर्जुन रामपाल ने अपनी ही स्टेटमेंट से क्यों लिया यू टर्न। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर प्राण साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्राण साहब के गुजरने की खबर से पूरा बॉलीवुड उदास है और आज प्राण साहब के फ्यूनरल में शामिल होने पहुंचे कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स और साथ ही इन सेलेब्स ने अपने फेवरेट स्टार की कुछ यादें भी जूम के साथ शेयर की। टेक अ लुक। इंडस्ट्री के प्राण चले गए, इंडस्ट्री की जान चली गई। प्राण साहब का जो योगदान रहा है, मैं नहीं समझता कि इतिहास में, 100 साल के इतिहास में, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर एक्टर्स, इतना बड़ा योगदान किसी हीरो का भी नहीं है आज तक। इस फिल्म इंडस्ट्री ने एक बेहतरीन कलाकार, अभिनय का जादूगर खो दिया है और ये केवल अभिनेता ही नहीं, एक बेहतरीन इंसान थे। वेरी सैड डे फॉर द इंटायर फिल्म इंडस्ट्री, बट आई एम हैप्पी दैट ही लिव्ड हिज लाइफ। 93 इज अमेजिंग, गॉड ब्लेस, एंड ही वाज अ लीजेंड एंड वी लॉस्ट अ लीजेंड फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। देयर कांट बी अनदर प्राण। बॉलीवुड का आज हर बड़ा स्टार उदास है। हर कोई इस खबर से सदमे में है कि उनके बीच उनके फेवरेट विलन नहीं रहे। जी हाँ, प्राण साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल शाम लीलावती हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। 93 इयर्स ओल्ड प्राण साहब की तबीयत पिछले कुछ समय से खराब थी। लेजेंडरी एक्टर प्राण साहब बॉलीवुड स्टार्स के बीच कितने पॉपुलर थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज सुबह उनके फ्यूनरल सेरेमनी में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, करण जौहर, राज बब्बर, टीनू आनंद, अनुपम खेर, शक्ति कपूर, रजा मुराद, डैनी डेंगजोपा जैसे बड़े सेलिब्रिटीज पहुंचे। बिग बी को प्राण साहब का सबसे ज्यादा करीबी माना जाता था। यही वजह है कि बिग बी इस फ्यूनरल सेरेमनी पर काफी देर तक रुके रहे। वैसे यहाँ पहुंचे कुछ सेलिब्रिटीज ने मीडिया से बात करते हुए प्राण साहब से जुड़ी कुछ यादें शेयर भी की। इस फिल्म इंडस्ट्री ने एक बेहतरीन कलाकार, अभिनय का जादूगर खो दिया है और ये केवल अभिनेता ही नहीं, एक बेहतरीन इंसान थे। प्राण साहब बहुत बेहतरीन इंसान थे, बहुत सुंदर इंसान थे। तो बहुत है, लेकिन अभी माहौल ऐसा है कि बस इतना ही कहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके जैसा इंसान दोबारा हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आ नहीं सकता। कि हमारे मुल्क में एक कश्मीर, एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक सचिन तेंदुलकर और एक प्राण, अरे हमारे हीरो तो ये हैं। इन स्टार्स के अलावा प्राण साहब की कोस्टार रह चुकी सायरा बानू ने जूम के साथ फोन पर एक्सक्लूसिवली बात करते हुए प्राण साहब से जुड़ी अपनी यादें शेयर की। We've been so upset, so terribly upset and depressed. I mean, one knows it's inevitable, you know, but still when it happens, it is something that you can't take. It's like that. Especially when you've been very close to a person, you see. Absolutely. Just... He used to work with my mother also in her films, you see. And it was always a laugh line. Ke whenever he'd do a shot with me, sometimes he'd come out with this. Dekho, tum abhi ye isi tarah se karna, mujhe zyada kuch nahi kehna, yehi shot jo hai, maine tumhari mother ke saath bhi kiya hai. सायरा बानो प्राण साहब के काफी क्लोज थी। सायरा के बाद महेश भट्ट ने भी हमारे साथ प्राण साहब से जुड़ी अपनी यादें शेयर की। Tied to my childhood memories. I mean, we grew up in Union Park and which is the Beverly Hills of the Hindi film industry. And he was staying in the adjoining bungalow. And we used to play cricket in his compound and he used to watch us play. And he was, he was a part of my father's Arabian Nights
a fantasy called Sinbad the Sailor. And we used to emulate him because he was a good sword fencer. प्राण साहब की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता था। एक्ट्रेस मनीषा कोइराला, जो कि खुद अभी कैंसर ट्रीटमेंट लेकर यूएस से वापस आई हैं, उन्होंने भी प्राण साहब से जुड़ी अपनी यादें हमारे साथ शेयर की। He was always this calm, elderly father figure, kind of a person. And I've seen so many of his films, so many of his films. Me and my entire family, like mom and dad, everybody is kind of saddened with his death. I hope it was peaceful and, you know, just a wonderful journey onwards. I pray for that. Director Anil Sharma ne bhi Pran sahab se judi apni yaadein humare saath share ki. Pran sahab, to dekhiye, jab main film industry mein naya naya aaya tha, jab chota tha, to film industry Pran sahab ke bina thi hi nahi. प्राण के बिना कोई पिक्चर नहीं होती थी। सही मायने में अगर मैं प्राण साहब के बारे में बोलूं, तो वो इस इंडस्ट्री के, वो एक्टर प्राण नहीं बल्कि इस इंडस्ट्री के प्राण है, प्राण रहे हैं। तो प्राण तो वो हैं, वो रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। Well, प्राण साहब भले ही अब इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनकी अदाकारी को हमेशा याद रखा जाएगा। फॉर चेतना सिंह, रुद्रानी चटुराज, रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। बॉलीवुड के बेस्ट विलन प्राण साहब का कौन सा डायलॉग आपको है सबसे ज्यादा पसंद? आप अपने फेवरेट डायलॉग्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ओनली ऑन ट्विटर हैंडल @ZoomTV with #PBNews। लेजेंडरी एक्टर प्राण उर्फ प्राण किशन सिकंद का जन्म ओल्ड दिल्ली के बालीमरन इलाके में हुआ था। अब इस आम पंजाबी लड़के के बारे में किसी ने शायद सोचा भी ना हो कि वो बॉलीवुड के बेस्ट विलन में से एक बन जाएंगे। आइए जानते हैं कैसा एक आम पंजाबी लड़का बन गया बॉलीवुड का बेस्ट विलन। प्राण फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर कैरेक्टर रोल्स और विलन्स की परिभाषा बदल कर रख दी। प्राण की बॉलीवुड में सक्सेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें ईयर 2000 में विलन ऑफ द मिलेनियम के खिताब से नवाजा गया। आइए अब जानते हैं पंजाब के प्राण कृष्ण सिकंद कैसे बन गए बॉलीवुड के बेस्ट विलन। प्राण कृष्ण सिकंद का जन्म 12 फरवरी 1920 को बाली मारन कोगारा ओल्ड दिल्ली में हुआ। प्राण एक वेल्दी पंजाबी फैमिली को बिलोंग करते थे। प्राण के पिता केवल कृष्ण सिकंद पेशे से एक सिविल इंजीनियर थे और उनकी मां रामेश्वरी एक हाउसवाइफ। प्राण बचपन से एकेडमिकली काफी स्ट्रांग थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई देश के कई स्टेट्स देहरादून, दिल्ली, कपूरतला और मीरठ में कम्प्लीट की। पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद प्राण का इंटरेस्ट सिनेमा और थिएटर प्लेस की ओर था और लकीली प्राण की मुलाकात हुई राइटर वली मोहम्मद वली से, जिन्होंने प्राण को पहली बार एक 1940s में पंजाबी फिल्म यमला जट के लिए एज अ हीरो साइन किया और प्राण ने उस दिन के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जट यमला के बाद प्राण ने कई पंजाबी फिल्म की और ईयर 1942 में प्राण ने अपनी पहली हिंदी फिल्म खानदान की, जिसमे उन्होंने एक रोमांटिक हीरो का रोल प्ले किया। ईयर 1942 से 1946 के बीच प्राण ने लगभग 22 फिल्म्स में काम किया, लेकिन इंडिया पार्टीशन की वजह से प्राण का करियर बीच में जरा थम सा गया। प्राण को 1948 के बाद अपना करियर फिर से शुरू करना था। फिल्म्स में काम न मिलता देख प्राण ने लगभग 8 महीने तक एक होटल में भी काम किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और प्राण को 1948 में ही दो बड़ी फिल्म्स बॉम्बे टॉकीज और जिद्दी मिल गई। जिद्दी एक सुपरहिट फिल्म थी जिसने प्राण के साथ साथ एक्टर देव आनंद का भी करियर बना दिया और यही फिल्म प्राण के लिए भी मील का पत्थर साबित हुई। प्राण का जलवा उस वक्त ऐसा था कि दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर जैसे टॉप बॉलीवुड स्टार्स अपनी फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राण को ही रोल ऑफर करना चाहते थे। प्राण ने दिलीप कुमार की फिल्म आजाद, देवदास, मधुमति, दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम में नेगेटिव रोल्स किए जिन्हें ऑडियंसेस ने खूब पसंद किया। इसके अलावा देवानंद की फिल्म्स जिद्दी, मुनीम जी, अमरदी, जब प्यार किसी से होता है, इनमें भी प्राण ने अपने नेगेटिव अवतार का लोहा मनवाया। प्राण 60s और 70s के अकेले ऐसे एक्टर रहे जिन्होंने कोई डाउनफॉल नहीं देखा। फिल्म्स में नेगेटिव रोल्स के लिए वो हमेशा हर एक फिल्म मेकर्स की पहली पसंद थे।
1969 से 1982 तक एक ऐसा भी दौर आया जब प्राण अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर जैसे लीड एक्टर से भी ज्यादा अमाउंट चार्ज किया करते थे। उस वक्त केवल राजेश खन्ना एक ऐसे सुपरस्टार थे जिनकी फिल्म की फीस प्राण से ज्यादा थी। इस फैक्ट से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राण की बॉलीवुड में क्या हैसियत थी। प्राण ने अपने नेगेटिव कैरेक्टर से ऑडियंसेस के दिमाग पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे बॉलीवुड का कोई दूसरा विलन मिटा नहीं पाया। बॉलीवुड में स्टार्स इंडस्ट्री से तब रिटायरमेंट लेते हैं जब उन्हें कोई फिल्म नहीं मिलती, लेकिन प्राण एक ऐसे स्टार थे जिन्होंने बॉलीवुड से सिर्फ इसीलिए रिटायरमेंट ले ली क्योंकि वो अब आराम करना चाहते थे। प्राण ने अपने 60 साल के बॉलीवुड करियर में लगभग 350 फिल्म्स में काम किया और उन्हें उनके काम के लिए अनगिनत अवार्ड्स भी मिले। 1967 में फिल्म उपकार, 1969 में आंसू बन गए फूल, 1972 में बेईमान जैसी फिल्म्स के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया और यही नहीं 1997 में उन्हें फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। प्राण को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2001 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिला। यही नहीं 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देश के हाईएस्ट सिनेमैटिक अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी उन्हें नवाजा। प्राण इस अवार्ड को लेने खुद जब दिल्ली नहीं जा पाए तो देश के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मनीष तिवारी उन्हें अवार्ड देने खुद मुंबई उनके घर पर आए। बॉलीवुड फिल्म्स में प्राण के योगदान को कभी नहीं भूला जा सकता और जब जब हिंदी सिनेमा के बेस्ट एक्टर्स की बात की जाएगी प्राण का नाम कुछ टॉप के स्टार्स में शामिल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है, सो प्लीज स्टे विथ अस। अर्जुन रामपाल ने जूम के बूम पर लगभग एक वीक पहले कहा था कि वो अपनी फिल्म डी डे को ईद पर रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन अब अर्जुन रामपाल ने अचानक अपने स्टेटमेंट से यू टर्न ले लिया है। क्या है इसकी वजह, फाइंड आउट इन नेक्स्ट स्टोरी। आई विश वी वर नॉट कमिंग इन रमजान, ये फिल्म मैं ईद पर ही ले आता, मजा आ जाता। और अगर ईद पे आती तो एक तरफ होते शाहरुख खान और एक तरफ होते अर्जुन एंड इरफान एंड ऋषि कपूर, तो वो भी मुझे ठीक है, वो चल जाता था। You wanted this movie to come out during Eid because, you know, everybody wanted during Eid, right? No, I never said that. No, Shah Rukh is a huge actor. He's got a huge, huge, huge draw. And I think nobody wants to release next to him, you know, because he'll eat everybody up. So I wish him all the best for his release on Eid and I'm sure it's going to be a great film. एक वीक पहले तक अर्जुन रामपाल कह रहे थे कि अगर वो अपनी फिल्म को ईद पर ले आते तो बेहतर होता। I wish we were not coming in Ramzan. ये फिल्म मैं ईद पर ही ले आता, मजा आ जाता। लेकिन अब अर्जुन रामपाल अपनी ही बातों से मुकर गए हैं। सुनिए अब अर्जुन कैसे शाहरुख को बॉक्स ऑफिस का किंग बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो क्या कोई भी शाहरुख की फिल्म के साथ अपनी फिल्म रिलीज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। You wanted this movie to come out during Eid because, you know, everybody wanted during Eid, right? I never said that. No, Shahrukh is a huge actor. He's got a huge, huge, huge draw. And I think nobody wants to release next to him, you know, because he'll eat everybody up. अर्जुन ने लास्ट वीक जब हमसे बात की थी तो उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो अपनी फिल्म के कंटेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ऐसे में अगर उनकी फिल्म के सामने शाहरुख जैसे स्टार्स की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस भी रिलीज हो जाती तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। I wish we were not coming in Ramzan. ये फिल्म मैं ईद पर ही ले आता, मजा आ जाता। और अगर ईद पे आती तो एक तरफ होते शाहरुख खान और एक तरफ होते अर्जुन एंड इरफान एंड ऋषि कपूर, तो वो भी मुझे ठीक है, वो चल जाता था। ऐसे में सवाल उठता है इस एक वीक के दौरान ऐसा क्या हो गया कि जो अर्जुन शाहरुख खान को बॉक्स ऑफिस पर चैलेंज करने की बात कर रहे थे वो अब अपने स्टेटमेंट को डिफेंड कर रहे हैं। अर्जुन और शाहरुख खान किसी वक्त बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। शाहरुख और अर्जुन एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थीं कि अर्जुन और शाहरुख खान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अर्जुन रामपाल की वाइफ मेहर जैसिया और शाहरुख की वाइफ गौरी खान भले ही अब तक अच्छे दोस्त हैं, लेकिन शाहरुख और अर्जुन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों स्टार्स अब टॉकिंग टर्म्स पर नहीं है। और लगभग एक वीक पहले आए अर्जुन के इस बयान से ये बात सच भी लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। I wish we were not coming in Ramzan. ये फिल्म मैं ईद पर ही ले आता, मजा आ जाता। और अगर ईद पे आती तो एक तरफ होते शाहरुख खान और एक तरफ होते अर्जुन एंड इरफान एंड ऋषि कपूर, तो वो भी मुझे ठीक है, वो चल जाता था। लेकिन
अब अर्जुन अपने पुराने दोस्त शाहरुख की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में हम तो यही कहेंगे, All's well that ends well. For रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, Mumbai. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है. So please stay with us. बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपने सोशल नेटवर्किंग हैंडल्स के थ्रू भी अपने फेवरेट विलन प्राण साहब को याद किया. टेक अ लुक. लेजेंडरी एक्टर प्राण के निधन की खबर जैसे ही बॉलीवुड स्टार्स तक पहुंची, हर कोई शोक में डूब गया. बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनके फेवरेट एक्टर प्राण साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे. प्राण साहब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच कितने पॉपुलर थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमिताभ बच्चन से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा जैसे स्टार्स उनके फ्यूनरल पर पहुंचे. कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट हैंडल्स के थ्रू भी प्राण साहब को याद किया. सबसे पहले शाहरुख खान ने प्राण साहब को याद करते हुए लिखा, Why do icons who shaped our lives and emotions have to go away? You will, sir, remain etched in our hearts. Allah bless your soul, Pran Sahab. Amitabh Bachchan wrote, Pran Sahab passes away. A gentleman, most collaborative colleague, a senior of immense distinction, a true disciplined professional. Abhishek Bachchan ne likha, Thank you for the memories, Pran Sahab. You will live forever in our hearts. Rest in peace. Arjun Rampal wrote, Rest in peace, Pran Sahab. You immortalized so many characters and was fortunate to play one of them. You live in my heart forever. Manoj Bajpayee ne likha, May Pran Sahab's soul rest in peace. In an industry of heroes and villains, he ruled the space he was given. Thank you, Pran Sahab. Preeti Zinta ne bhi Pran Sahab ko yaad karte hue likha, Rest in peace, Pran Sahab. Did not know him personally, but heard he was a perfect gentleman with a heart of gold. May your soul rest in peace. Anupam Kher ne bhi apne favorite actor ko yaad karte hue likha, Final curtain call for one of the most loved actors of Indian cinema. An actor and a gentleman. Pran Sahab, we will miss you and your warmth. Rest in peace. Madhur Bhandarkar ne Pran Sahab ko yaad karte hue likha, Extremely saddened by the demise of the legendary Pran Sahab, who revolutionized villainy on Indian celluloid. Director Abhishek Kapoor ne likha, Oh dear, rest in peace Pran Sahab. Thank you for all those wonderful movies. Actor Ritesh Deshmukh ne apne favorite ko yaad karte hue likha, Sher Khan, you will live forever. Rest in peace Pran Sahab. Well, प्राण साहब की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि बॉलीवुड में हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता था, और अब भले ही वो इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन वो सबकी यादों में हमेशा रहेंगे. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.